सत श्री अकाल पंजाबी खबरां देखण वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरां दा सिलसिला शुरू करन तो पहला एक नज़र मार लैने आं सुर्खियां दे वल। कोविड 19 आफत के मद्देनजर खट्टर सरकार का वड्डा फैसला। हरियाणा 6 सितंबर तक वधाएगी तालाबंदी। सूबे च रेस्टोरेंट बार माल क्लब हाउस से दुकाना खोलन की इजाजत। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिद्धू के सलाहकार राष्ट्र विरोधी टिप्पणियां करने ताड़िया। कहा संवेदनशील मुद्दों से ना की जाए बयानबाजी। दिल्ली कमेटी दी चोणां संबंधी वोटिंग प्रक्रिया खत्म। 37% वोटां होईयां पोल। 25 अगस्त नूं नतीजियां दा होवेगा ऐलान। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। हरियाणा सरकार ने बीते दिनी कोविड 19 तालाबंदी का समा 15 दिनों लिए वधाउण का फैसला लिया है। तो पहला तो दी गई ढिल जारी रखने की आग्या भी दी है। सूबे में रेस्टोरेंट बार माल क्लब हाउस से दुकाना खोलने की इजाजत है। मुख्य सकत्र विजय वर्धन ने जारी आदेश कहा है कि हरियाणा सूबे में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अगले एक होर पंद्रवाड़े 23 अगस्त तो 6 सितंबर शाम 5 बजे तक तालाबंदी का समा वधाया गया। इस दे नाल ही पहला तो जारी आदेशों में दिए गए दिशा निर्देशों को लागू किया जाएगा। कश्मीर ते पाकिस्तान वर्गे संवेदनशील कौमी मामलों ते नवजोत सिंह सिद्धू के दो सलाहकारां दे हाल ही विच आए बयानां दा सख्त नोटिस लैंदिआं पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज अजिहियां घिनौणियां ते माड़ियां टिप्पणियां विरुद्ध ताड़ना कीती है जिन्हां नाल सूबे दे नाल नाल देश दी अमन शांति अते स्थिरता लई खतरा पैदा हो सकदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू नूं भी अपने सलाहकारां नूं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान नूं सलाह देण तक सीमित रखण ते उन्हां मसलियां उत्ते ना बोलण लई कहा जिन्हां बारे उन्हां नूं जां तां थोड़ा बहुता पता है जां फिर उक्का ही कोई जानकारी नहीं है ते उन्हां नूं अपनियां टिप्पणियां दे निकलण वाले अर्थां दी भी समझ नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह प्रतिक्रिया डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग वालों पाकिस्तान की निखेधी करने उत्ते उन्हां नूं कीते सवाल ते इस तो पहला कश्मीर बारे मालविंदर माली की विवादपूर्ण बयानबाजी के संदर्भ में सामने आई है। इन्हां दोवां नूं सिद्धू ने हाल ही विच अपने सलाहकार नियुक्त किया सी। लंबे समय तो उड़ीकियां जा रही दिल्ली कमेटी चोणों लिए वोटिंग प्रक्रिया आज मुकम्मल हो गई है। तो हुण इंतजार है नतीजों का जो 25 अगस्त को ऐलाने जाएंगे। दिल्ली कमेटी चोणों की गल करिए मुकाबला 3 मुख्य पार्टियां च है जिस श्रोमणी अकाली दल बादल श्रोमणी अकाली दल दिल्ली ते जागो पार्टी का नाम शामिल है। इन्होंने चोणों में 37.27% वोट पोल हुई है जिस बाबत दिल्ली गुरुद्वारा चोन कमिश्न के डायरैक्टर नरेंद्र सिंह ने जानकारी देंदिया कहा कि चोन प्रक्रिया अमन अमान नेपरे चढ़ी है। कुल 3,42,065 वोटर 1,27,472 वोटर ने वोटा पाईया ने उन्हें होन भी जानकारी प्रदान की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टोक्यो ओलंपिक विच हिस्सा लैण वाले फौजियों नूं पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट च सोमवार नूं सन्मानित करनगे। रक्षा मंत्रालय वालों जारी बयान च इह जानकारी दित्ती गई है। इस च दस्सिया गया है कि हाल ही विच संपन्न होईआं टोक्यो ओलंपिक खेडां विच भारत की अगवाई करन वाली फोर्स के सारे मुलाजमान सूबेदार नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला सुट्टन विच सोने का तगमा हासिल किया उन्होंने इस प्रोग्राम च मौजूद रहने की संभावना है। रखड़ी दे पवित्र त्यौहार दे संबंध विच हुशियारपुर दे BSF सिखलाई केंद्र खड़का कलां विखे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दे चेयरमैन विजय सांपला ने शिरकत की। इस मौके भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पंजाब दी सूबा उपप्रधान नीति तलवार दी अगवाई हेठ सिखलाई केंद्र दीआं विद्यार्थणां ने विजय सांपला दे हत्थां ते रखड़ियां बन के रखड़ी दा पवित्र त्यौहार मनाया।
हर साल रखड़ी दे त्यौहार ते स्कूलां ते कालजां दे बच्चे देश दीआं सरहदां ते जा देश दी सुरक्षा कर रहे सैनिकां दा मनोबल वधाउण लई उहनां च जाके मनाउंदे ने अते इसे दा तहत शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद वालों भी डेरा बाबा नानक पोस्ट ते पहुंच के यह त्यौहार BSF दे अधिकारियों ते जवानों दे नाल मनाया गया। समागम विच खास तौर ते इस इलाके च शहीद होए फौजी जवानों दे परिवारों वालों शमूलियत की गई जिथे शहीद सैनिकां दीआं भैणां ते उहनां दे परिवार दीआं औरतां वालों देश की रक्षा कर रहे BSF जवानों नूं रखड़ी बन्नी गई। पिछले दिनी छत्तीसगढ़ अधीन पैंदी बस्तर डिवीजन दे जिला नारायणपुर विच नक्सलियां वालों किते हमले विच शहीद होए भारत तिब्बत बार्डर पुलिस दे ASI गुरमुख सिंह दा उस दे जद्दी पिंड चौरड़ा सरकारी सन्मानां नाल अंतिम संस्कार किया गया। ITBP दे 45 बटालियन दे सब इंस्पैक्टर सुभाष सिंह दी अगवाई वाली पुलिस टुकड़ी शहीद गुरमुख सिंह दी मृतक देह लैके पिंड पहुंची। शहीद गुरमुख सिंह दी अंतिम यात्रा विच पिंड चौरड़ा तो इलावा इलाके दे हजारां लोकां ने शिरकत कीती। शहीद दे घर तो लैके शमशान घर तक रस्ते विच लोग ही लोग नजर आ रहे सन ते हर कोई हाथ जोड़ के सेजल अखां दे नाल शहीद गुरमुख सिंह नूं सिजदा कर रहा सी। इस मौके ITBP दे जवानां दी टुकड़ी ने 8 राइफलां नाल फायर करके शहीद गुरमुख सिंह नूं सलामी दित्ती। इस मौके शहीद गुरमुख सिंह दे बुजुर्ग पिता जंगीर सिंह ते 15 साला बेटे गुरनूर सिंह ने सलूट करके अंतिम सलामी दित्ती जदों कि मृतक देह नूं मुख अग्नि शहीद गुरमुख सिंह दे बेटे गुरनूर सिंह वालों भेंट की गई। पंजाब दी नौजवान पीढ़ी अपने चंगे भविख की तलाश दे ली रोजाना ही वड्डी तादाद विच विदेशी धरती ते जाके अपनी मंजिल नूं हासिल करन लई दिन रात मेहनत कर रही है, पर विदेशी धरती ते पहुंच के उन्हां दे नाल कई तरह दी दुर्घटनावां भी वापर जांदियां ने जो पिछे उन्हां दे परिवार नूं झंझोड़ के रख दिंदियां ने। इस तरह दी ही घटना वापरी है नाभा दी रहण वाली जसप्रीत कौर, जो कि बीते एक महीने पहला ही कनेडा विखे स्टडी वीजा ते गई सी ते जदों उह काम तों वापिस परत रही सी तां उह सड़की हादसे दौरान बुरी तरह फटड़ हो जांदी है ते पिछले 13 दिनों तो जसप्रीत कौर जिंदगी ते मौत दी जंग लड़ रही है। जसप्रीत कौर पिछले 13 दिनों तो लगातार कोमा विच है ते परिवार इस घटना तो बाद गहरे सदमे विच है। पीड़ित जसप्रीत दे पिता बलजीत सिंह ने मांग की थी कि उसनू भारत सरकार जल्द तो जल्द वीजा देवे तां जो वह कनेडा पहुंच के अपनी बच्ची की देखभाल कर सके। गन्ना काश्तकारां ते पंजाब सरकार दी मीटिंग बेसिटा रही है। इस मगरों किसान नेतावां ने अंदोलन जारी रखण दा ऐलान कीता। किसान नेतावां ने कहा कि रेलवे ट्रैक ते रोड जाम रहणगे। सूत्रां मुताबिक गन्ने दे बकाए बारे सहमति बन गई है, पर गन्ने दा भाव बारे रेड़का बरकरार है। इस लई कुल जलंधर विच मीटिंग होएगी। दस दईए कि गन्ने दे भाव ते बकाया राशि नूं लै के किसानां दे धरने मगरों पंजाब सरकार नरम पई सी। इस लई सरकार ने किसान धरने नूं समाप्त कराउण लई अज पंजाब भवन विच मीटिंग सद्दी सी। अज चंडीगढ़ विच सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल किसानां दी मीटिंग होई जो कि बेसिट्टा रही है। मीटिंग बेसिट्टा रहण मगरों मामला गरमा सकदा है क्योंकि किसान नेता मनजीत सिंह राय ने पहलां ही चेतावनी दित्ती सी कि जेकर मीटिंग विच कोई हल ना निकलिया तां 24 अगस्त नूं पंजाब दे टोल प्लाज़ियां ते जाम ला के समुचे सूबे नूं बंद कर दिता जाएगा। आम आदमी पार्टी के मुखी अरविंद केजरीवाल वालों पंजाब के लोगों नाल चोण वायदा करदियां 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त देने लिए गरंटी कार्ड लोगों नूं जारी किए जा रहे हैं, जिस तहत कस्बा नौशहरा मज्जा सिंह विखे मनदीप सिंह गिल जिला उपप्रधान आम आदमी पार्टी यूथ विंग गुरदासपुर की अगवाई हेठ नौशहरा मज्जा सिंह ते पिंड चूड़चक वासियां दे मुफ्त बिजली गरंटी कार्ड भरे गए। इस मौके लोगों वालों आम आदमी पार्टी के हक च चोणां वेले वोटां पाउण दा विश्वास दिता गया। लुधियाना विच सड़क हादसे च इक एक्टिवा सवार महिला की मौत होने की खबर है। कहा जा रहा है कि कार चालक नूं हार्ट अटैक आउण नाल कार बेकाबू हो गई है तो उसने एक्टिवा सवार नूं अपनी लपेट विच लै लिया जिस कारण उसकी मौत हो गई है। कार चालक की भी हार्ट अटैक नाल मौत हो गई है।
बठिंडा जिले भर में भारी मीह पिया जिथे शहर के गली मुहल्ले जलथल हो गए उथे खेतों में भी कई कई फुट पानी भर गया। मीह का पानी सरकारी कोठियां सने एसएसपी रिहायश महिला थाना सैशन जज की कोठी में भी भर गया। जिक्र हो गया कि वित्त मंत्री मनप्रीत बादल वालों शहर में मीह के पानी की निकासी के दावे किए जा रहे सन, पर अज इन्हों की हकीकत सामने आ गई है। करोड़ों रुपया के प्रोजेक्ट फेल होंगे दिखाई दते। इस खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंगे। नवी ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लिए इजाजत दियो, धन्यवाद।